तकरीबन एक माह के लंबे लॉकडाउन के बाद अब बाजार गुलजार होने लगे हैं। लगभग सभी दुकानदारों को नियमों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अगर कोई दुकानदार लापरवाही करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। लॉकडाउन के बाद व्यापारियों के साथ साथ आमजन भी परेशान हो चुका था। झांसी में कोरोना के मामले कम होते ही शासनादेश पर प्रशासन द्वारा नियम व शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई। इस बारे में परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल NN वाजपेयी ने हमारी टीम से बात करते हुए बताया कि झांसी नगर में खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के लिए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें उन्हें खाद्य सामग्री बनाने वाले व ग्राहक को देने वाले के लिए मास्क और ग्लव्स लगाना, हाथों को साफ रखना अति आवश्यक है। इसके अलावा दुकान में यदि गंदगी पाई जाती है तो इसके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं करता है उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। जुर्माना गंदगी के लिए 1,000 रुपये तक है। जो भी गार्बेज जनरेट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना दुकानदार इसके कर्मचारी और मालिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूखे कचड़े के लिए या गीले कचड़े के लिए फिर उसका प्रॉपर डिस्पोजल। अगर किसी भी प्राइवेट दुकान में भी गंदगी पाई जाती है तो 1,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। हमने कई बार पहले किया भी है और कोविड के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया हुई है अनलॉक की, इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि और भी ज़्यादा इसको इम्पोज करें। हमने बाज़ारों में देखा कि चारों तरफ बाज़ार गुलजार हो चुके थे, दुकानें खुली हुई हैं, ज़्यादातर जागरूक लोगों को मास्क लगाकर खरीदारी करते देखा गया। तो वहीं कुछ लोगों को दुकानदार भी समझा रहे थे कि मास्क लगा लीजिए वरना उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। हमने सदर व शहर क्षेत्र की दुकानों में देखा जहां कुछ जगहों पर नियमों का पालन हो रहा था। साफ सफाई, टोटल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ग्लव्स, मास्क, अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह वो करना है। हर ग्राहक हर कस्टमर से इस तरीके से कहना है कि भाई डिस्टेंसिंग बना के रहें, ग्लव्स का यूज करें, मास्क का यूज करें, और जो है सामान देने के बाद जैसे कि अपन कस्टमर को चलाते हैं उसको जो भी सामान देना है देने के बाद में तुरंत अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अच्छी संतुष्टि ग्राहक के साथ और अपने साथ महसूस कीजिए। डिस्टेंसिंग बना कर रखें, दूर दूर रहें, मास्क लगाएं, भीड़ ना लगाएं। और क्या यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं नियमों का पालन कर रहे हैं? जी, क्या कि मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी पहनना जरूरी है। जी जी जी, क्योंकि आप यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ग्लव्स पहन रहे हैं? पहन रहे पहन रहे पहन रहे। कुछ दुकानदार थे जो नियमों का पालन करते दिखे, तो वहीं कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जहां लोग खाने पीने की दुकानों पर यह भूल चुके थे कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी भयावह थी, जिसमें हमने अपने हजारों चहेतों को खो दिया। अब चूंकि बाजार खोलना शासन प्रशासन की भी मजबूरी है, लेकिन अब कोरोना से हमें बचाने कोई नहीं आएगा। जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर और भी खतरनाक हो सकती है, ऐसी कल्पना मात्र से ही मन सिहर उठता है। आज हम सभी को चाहिए कि नियमों का पालन किसी की नसीहत पर नहीं बल्कि खुद के बचाव के लिए करें। हमें नहीं पता कि अब कोरोना कब जाएगा, लेकिन अगर हमने कोरोना से बचाव के उपायों को नहीं अपनाया तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी खतरा बढ़ जाएगा। न्यूज़ बीके आपसे अपील करता है कि किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, मास्क लगाइए। झांसी से RN शर्मा की रिपोर्ट।